नमस्कार दोस्तों, बिल स्टार्टअप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नेशनल टॉपिक पे चर्चा करेंगे और दोस्तों एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि भारत के लिहाजा काफी अच्छी है, उसी रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सो गाइस, अगर आपने बिल स्टार्टअप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। दोस्तों एक ग्लोबल रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि टैलेंट मोबिलिटी प्रोवाइडर रैनस्टैंड राइसमार्ट द्वारा स्किल टुडे रिपोर्ट के तहत पब्लिश की गई है। दोस्तों इन्होंने 2020 में वर्ल्ड वाइज सर्वे किया है जिसमें बहुत सारे देशों की इंडस्ट्रीज शामिल है। दोस्तों इस सर्वे में भारत भी शामिल था। भारत के अंदर ये सर्वे कैसे हुआ, कितने लोग सम्मिलित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इसमें करीब 1099 HR प्रोफेशनल्स तथा 1142 एम्प्लॉई और 20 इंडस्ट्रीज भारत के अंदर शामिल की गई। हर कंपनी के 152 HR प्रोफेशनल्स, 154 एम्प्लॉईज ये सम्मिलित थे। और इस सर्वे में ये पता लगा कि करीब 81% इंडियन कंपनीज ने लगभग अपने स्किल इन्वेंट्री पर हर रीजन में मेंटेन किया है। इस मामले में दोस्तों भारत विश्व में नंबर एक पे है। दोस्तों डैन डेवनपोर्ट जो कि प्रेजेंट और जनरल मैनेजर हैं रैनस्टैंड राइसमार्ट के, जिन्होंने सर्वे पब्लिश किया है, इन्होंने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण ऑटोमेशन बढ़ा है जिसके कारण एम्प्लॉइज पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तथा उनको मेंटेन करने के लिए, अपने प्रेशर को हैंडल करने के लिए तथा कॉम्पिटिशन में जारी रहने के लिए अपनी लर्निंग और स्किलिंग मेंटेन करनी पड़ती है। इसके लिए कंपनियों को खर्च करना पड़ता है तथा दोस्तों कोरोना पैंडेमिक के दौरान एम्प्लॉइज पर यह दबाव था कि वो नए स्किल डेवलप करे ताकि वह कंपनी में टिक सके, अन्यथा दोस्तों उन्हें कंपनी से निकलना पड़ता। दोस्तों सर्वे के अकॉर्डिंग भारत के एम्प्लॉइज में IT स्किल 65% है, वेब डेवलपमेंट 64% है, ओवरऑल सेल्फ स्किल 62% है। आज के समय में दुनिया में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इनसे बदलाव आ रहा है। दोस्तों मैंने आपको नेशनल अपडेट्स की बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि नोएडा NCR रीजन और बेंगलुरु में कई सारे रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैन्युफैक्चर प्लांट्स मौजूद हैं जो कि रोबोट्स का मैन्युफैक्चर करते हैं और धीरे धीरे इस क्षेत्र में भारत के अंदर भी निवेश बढ़ रहा है। रोबोटिक्स के क्षेत्र में भारत के अंदर तीव्रता देखने को मिल रही है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इन फ्यूचर भारत के अंदर भी 45% स्किल AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होनी जरूरी है और 32% स्किल अडेप्टेबिलिटी, 31 स्किल क्रिएटिविटी, ये सारी जरूरी है। यानी कि आने वाले समय में अगर भारतीय कंपनियों में किसी भी प्रोफेशनल जॉब लेनी है या फिर टिकना है तो इनको ये सारी स्किल्स जरूरी हैं। दोस्तों भारत की कंपनियों के HR प्रोफेशनल से माना है नेक्स्ट फ्यू इयर्स में इन स्किल्स को एम्प्लॉइज को जोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनीज इन सब की ट्रेनिंग एम्प्लॉइज को देगी तथा नए फ्रेशर्स को हायर करेगी जो इन स्किल्स में परफेक्ट होंगे। दोस्तों एक तरीके से देखे तो भारत की कंपनियों में ट्रेंड एम्प्लॉय है जो की कंपनियों के लिए हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाते हैं जो की दोस्तों विश्व बाजार में भारतीय कंपनियां इस मामले में टक्कर दे सकती है। लेकिन दोस्तों इस सर्वे का एक ड्रॉबैक है। दोस्तों इस सर्वे में ज्यादातर IT सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं और सर्विस सेक्टर की। यहां पर दोस्तों MSMEs और हैवी इंडस्ट्रीज की कंपनियां शामिल नहीं हैं। वहां पर एम्प्लॉयमेंट कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, ये सब के बारे में इसमें आकलन नहीं किया गया है, तो इसको हम एक ड्रॉबैक की तरह देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप IT सेक्टर की बात करें या फिर सर्विस सेक्टर की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो कंपनी है उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वर्ल्ड के हिसाब से प्रोडक्ट बना सकती है, विश्व बाजार में अपना एक मार्केट बना सकती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।